राजस्थान के दौसा जिले में निजी अस्पताल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अर्चना शर्मा के आत्महत्या मामले ने मध्य प्रदेश में भी तूल पकड़ लिया है। डॉक्टर अर्चना शर्मा की मौत के बाद प्रदेश के चिकित्सा जगत में काफी आक्रोश है और उसी क्रम में वीओ आगरा मालवा जिला मुख्यालय पर स्थित नवजीवन अस्पताल के डॉक्टरों ने भी आज अपने हाथ पर काली पट्टी बांधकर पूरे घटनाक्रम के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हुए मृतक डॉक्टर शर्मा को न्याय दिलाने की मांग की है। हम आपको बता दें कि 27 मार्च को राजस्थान के दौसा जिले की प्रसूता आशा बेरवा की डिलीवरी के लिए लालसोट के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। 28 मार्च को प्रसूता की सीजेरियन डिलीवरी हुई और डिलीवरी के कुछ घंटों बाद ही प्रसूता की मौत हो गई। इसके बाद परिजन कुछ लोगों के साथ अस्पताल के बाहर डेड बॉडी लेकर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा डॉक्टर दंपत्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 में प्रकरण दर्ज किया गया। इस पूरे घटनाक्रम से दुखी होकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने आत्महत्या कर ली और अपने द्वारा छोड़े गए एक सुसाइड नोट में कहा कि उसने किसी को भी नहीं मारा है और उसके निर्दोष परिवार वालों को परेशान ना किया जाए। इसके बाद से देश भर के डॉक्टर्स अब अर्चना को न्याय दिलाने के लिए मैदान में है। जी, आपके हॉस्पिटल में आगर में ये काले फीते बांधे गए हैं सभी को, तो क्यों और किस वजह से बांधे गए हैं? जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पिछले हफ्ते की बात है, डॉक्टर अर्चना शर्मा लालसोट राजस्थान की एक फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट हैं जी, वहाँ पे उन्होंने आत्महत्या करी। आत्महत्या क्यों करी, उनको इतना प्रताड़ित किया गया। एक फीमेल जो कि फोर्थ ग्रेविडान मतलब चौथी बार प्रेगनेंट थी, जिसकी ऑलरेडी 3 लड़कियाँ हो चुकी थी, क्योंकि लड़कियों को तो एक बच्चा मानते ही नहीं है, वो चौथी बार प्रेग्नेंट थी। और लड़के के लिए वो उसमें डिलीवरी के बाद में क्या होता है कि पोस्टमार्टम हिमरेज होता है, जो कि बहुत कॉमन चीज़ है, जिसमें हिमरेज हो जाता है, ब्लड बहुत ज़्यादा बह जाता है। उस कॉम्प्लिकेशन के लिए बहुत भरसक प्रयास करने के बावजूद भी इंसान या डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर को भगवान तो होता नहीं, वो नहीं बचाता। पर उस केस में उस डॉक्टर को एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगाया गया, अटेम्प्ट 302 की धारा लगाई, वो दर्ज किया गया है ना, किसी मतलब सभी जो वहाँ पे पॉलिटिशियंस थे उनके दबाव में आके इस तरह का मुकदमा 302 की कार्रवाई की गई, जो उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बिल्कुल विपरीत है। मतलब मैम, सर आपका नाम? जी जी, कॉम्प्लिकेशन होना और मर्डर होना, मतलब मर्डर और कॉम्प्लिकेशन, ये दोनों चीज़ें बहुत अलग होती है। कोई बुरे से बुरा डॉक्टर भी अपने पेशेंट को जब ठीक करता है तो वो एक अच्छी भावना को लेकर ही ठीक करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है। कभी डॉक्टर किसी पेशेंट को मारने के लिए नहीं सोचता है कि मैं इसका मर्डर करूँ, पर उस डॉक्टर के लिए मतलब इस तरीके का इल्ज़ाम लगाया गया और इतना प्रताड़ित किया गया कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों को मतलब अपने पति से प्यार किया, लिख के दी है कि मैं अपने पति से अपने बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ, और उन्होंने सुसाइड किया, जो कि बहुत निंदनीय है, बहुत ज़्यादा दुखद है। और हम सब इसी के लिए आज मतलब चीज़ को कि डॉक्टर जो जान बचाता है उसके लिए इनोसेंट डॉक्टर्स का हेरासमेंट नहीं किया जाए, और इसीलिए हम इसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए काले फीते बांध के काम कर रहे हैं। काम करना हमारी मजबूरी है, क्योंकि हम फिर भी इंसान हैं, डॉक्टर हैं। हम काम करना बंद कर दें तो बहुत सारे मरीजों की पीड़ाएँ मतलब बहुत तकलीफ में आ सकते हैं, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन हमारा विरोध है, हमारे अंदर एक एंगर है जो कि हम प्रदर्शित करना चाहते हैं काले फीते बांध। ओके मैम, सर आप दोनों का नाम और आप मतलब क्या है, आपकी स्पेशलिटी चाहे बता दीजिए। सचिन रावल, मेडिसिन स्पेशलिस्ट। हाँ जी, मैं डॉक्टर पल्लवी रावल हूँ, सर की वाइफ। मैं ESI हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर हूँ। ओके, और अभी अपने हस्बैंड के साथ में यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, MD एनेस्थीसिया मैंने ज्वाइन किया।